जैसे कि तुम लोग काफी ज्यादा ही कमेंट कर रहे थे कि भाई फायर बटन की प्लेसमेंट किस जगह पे रखना चाहिए ताकि यहाँ पर वन टैप हेडशॉट और ड्रैग हेडशॉट दोनों काफी बढ़िया लगे। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, कई सारे लोग फायर बटन की जो पोजीशन है वो गलत जगह पे सेट करता है, फिर वो काफी सारे हेडशॉट ट्रिक वगैरह को यूज करके देखता है कि हेडशॉट नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका एम जो है हर बार एनिमी की बॉडी पर ही लॉक होता है, और अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तुम वन टैप हेडशॉट लेने की ट्राई कर रहे हो या फिर ड्रैग हेडशॉट लेने की ट्राई कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में तुम्हारा एम बॉडी पे लॉक हो रहा है, तो तुम ये वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा बेस्ट फायर बटन पोजीशन के बारे में, ताकि तुम्हारा बॉडी पे जो एम लॉक का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक खत्म हो जाए। तो चलो आप फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, काफी सारे बंदा यहाँ पर फायर बटन को थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट करके रखता है, जैसे कि तुम अभी देख रहे हो। और इस सिचुएशन पे जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मेरा एम एनिमी की बॉडी पे लॉक हो रहा है, क्योंकि मैं ऊपर तक ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ पर एनिमी की बॉडी से हेड तक एम लेके जाने के लिए मेरे को ज्यादा ऊपर तक ड्रैग करना पड़ता है, लेकिन मेरे को ऊपर तक ड्रैग करने के लिए पेस चाहिए और यहाँ पर पेस बचा नहीं है, जिस वजह से एम मेरा एनिमी की बॉडी पे लॉक हो रहा है। और अभी तो काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है तो फिर बिल्कुल ही नीचे साइड फायर बटन को सेट कर लेंगे। देखो तुम अगर फायर बटन को बिल्कुल ही नीचे साइड सेट करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर ड्रैग हेडशॉट तो बढ़िया लगेगा, जैसे कि UMP, MP5 या फिर MP40, P90 इस तरह की गन में तुम काफी अच्छा खासा ड्रैग हेडशॉट ले पाओगे, लेकिन यहाँ पर तुम वन टैप हेडशॉट सही से नहीं ले पाओगे, क्योंकि वन टैप हेडशॉट मारने के लिए तुम्हें यहाँ पर रोटेशन ड्रैग या फिर अप डाउन ड्रैग करना पड़ता है। और अगर तुम फायर बटन को बिल्कुल ही नीचे साइड सेट करते हो तो तुम्हें नीचे का जो पेस है वो नहीं मिलता है, तो तुम यहाँ पर रोटेशन ड्रैग भी नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर अप डाउन ड्रैग तो छोड़ ही दो, तुम यहाँ पर सही से रोटेशन ड्रैग भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें फायर बटन को बेस्ट जगह पे प्लेसमेंट करना चाहिए, ताकि तुम यहाँ पर वन टैप हेडशॉट भी ठीक ठाक ले पाओ, और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम ड्रैग हेडशॉट भी काफी अच्छा खासा ले पाओ। तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाओ टेलिंग ग्राउंड पे, यानी तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तुम्हें गान वगैरह मिलता है इधर ही रुकना है। अभी तुम्हें क्या करना है, एक ड्रैग वाला गान पकड़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पर MP40 पकड़ लिया, या फिर तुम कोई भी गान पकड़ सकते हो। और एक तुम्हें यहाँ पर वन टैप हेडशॉट मारने वाला गान पकड़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पर M1887 ले लिया। अभी तुम्हें क्या चेक करना है कि यहाँ पर दोनों गान पे बराबर हेडशॉट लग रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऊपर की ओर ड्रैग करने के लिए तुम्हें और थोड़ा पेस चाहिए, तो तुम्हें उसी टाइम फायर बटन को थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नीचे का पेस तुम्हें कम मिल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर फायर बटन को ऊपर की ओर थोड़ा सा शिफ्ट करना है, बस इतना ही। और ये प्रैक्टिस तुम्हें खुद करना पड़ेगा। देखो अगर तुम अच्छा खासा ऑटो हेडशॉट की तरह हेडशॉट लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ओबियसली प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस सही ढंग से होना चाहिए। देखो यहाँ पर मेरे तरह अगर तुम फायर बटन को सेट करते हो तो तुम्हारा जो डिस्प्ले साइज है, मेरा डिस्प्ले साइज और भी बंदे का डिस्प्ले साइज वो अलग अलग होता है। उसके अलावा भी काफी सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में ड्रैग करता है, जिस वजह से तुम अगर खुद प्रैक्टिस करके सेट करोगे वही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तुम्हें मैं मेथड बता दिया कि किस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करना है, किस तरह से तुम्हें फायर बटन को सेट करना है सही जगह पे। तो तुम एक बार टेलिंग ग्राउंड पे जाओ, 10-15 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो एक बार ट्राई करो, फिर नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा मिला, मतलब तुम्हारा पहले से अभी का जो हेडशॉट है वो कितना परसेंट लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।